शामली में जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्टर परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, भाजपा सदर विधायक के अलावा सैकड़ों की संख्या में नागरिकों के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जनता के कार्यों को प्राथमिकता दें, यही बाबा साहब के जन्मदिन वर्ष पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शामली से जिला शामली प्रशासन के द्वारा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्टर में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार में के गन्ना विकास के राज्य मंत्री सुरेश राणा ने हिस्सा लिया। राणा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जनता से जुड़ी समस्याओं का निवारण करें, डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा है कि जो फरियादी गांव बाहर से आते हैं, अगर अधिकारी उनके समस्या सुन ले तो फरियादी की आधी समस्या तो स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। राणा ने कहा है कि जितनी योजना है सरकार के द्वारा जनता के लिए लाई गई हैं, उन सभी योजनाओं को सभी अधिकारी सही प्रकार से कार्यान्वित करेंगे तो उनका ये कार्य है बाबा साहब को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित होगा। मैं मान के चलता हूँ कि आज से ही बाबा साहब की जयंती के इस परम अवसर पर हम सोचते हैं कि आज से और अभियान को अपने तेज करेंगे कि जो लोग जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता है, जो वंचित है, शोषित है, पिछड़े हैं, दलित है, उन तमाम लोगों के लिए हम सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अक्सर से करेंगे। और एक बात मन में केवल संकल्प करने की आवश्यकता है, अब इसे अन्यथा मत लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट।